हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सॉरी तो बोल चुकी हूँ कई बार कि लेट हो गया वीडियो, लेकिन चलो आज बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूँ। मैं खड़ी हूँ अपनी बिल्डिंग के बाहर और देखिए आप कितनी रोशनी है, कितनी धूप है। अभी ये है मेरी सोसाइटी। नए व्यूअर्स को बता देती हूँ, मैं ग्वांगझो में रहती हूँ और हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं अपार्टमेंट में। ये है 4 BHK अपार्टमेंट और इसका एरिया है लगभग 150 स्क्वायर मीटर। और फ्रेंड्स, ये सोसाइटी 1-2 किलोमीटर लंबी चौड़ी है, तो काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। बाहर का मैं अभी नहीं दिखा सकती आपको, अभी सिर्फ मैं दिखाऊंगी अपना अपार्टमेंट। ऊपर जाके आपको एक नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 30 फ्लोर्स की सोसाइटी। 30 से ज़्यादा, शायद 31-32 फ्लोर्स हैं। खूब लंबे चौड़े गार्डन्स हैं। ये जो बिल्डिंग्स दिख रही है आपको, सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे रो हाउसेज हैं, बहुत सारे प्ले एरियाज हैं, बहुत सारे गार्डन्स हैं। तो जो पहले हम विला में रहते थे, ये उससे भी बड़ी सोसाइटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों का खेलने का एरिया भी है, मैं आपको किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। और फिलहाल ये है मेरी बिल्डिंग, काफ़ी ऊँची है। चलते हैं अब हम अंदर। ये देखिए आप, लेफ्ट और राइट में लॉकर्स हैं, तो आपका कोई मेल वगैरह कोई लेटर आता है तो ये यहाँ पे चला जाएगा। नंबर के हिसाब से आप देख सकते हो, बहुत इजीली सॉर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, ये एंट्री के लिए है। अभी तो दरवाज़ा खुला है, लेकिन शाम के बाद ये दरवाज़ा बंद हो जाता है और आपको यहाँ से, यहाँ पे जो कैमरा है ना, इसको देख के आपको जिस घर पे जाना है वहाँ पे कॉल कर सकते हो। यहाँ से आप डायल करो उस घर का नंबर, तो वहाँ पे कॉल लग जाएगा। ये कार्ड के लिए जगह भी है, सारे रेसिडेंट्स को कार्ड मिलता है, तो आप कार्ड को स्वाइप करके दरवाज़ा खोल सकते हो शाम के टाइम। तो फ्रेंड्स, ये नई सोसाइटी है, तो यहाँ पे सारे जो घर है स्मार्ट होम्स हैं, तो सारी जो भी लेटेस्ट घर में जो भी टेक्नोलॉजी मिलती है आपको, वो यहाँ पे लगभग मिल जाएगी सारी। ये दरवाजे के राइट साइड में किसी की साइकिल या 2-व्हीलर है तो उसको खड़ी करने की भी जगह है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग में देखिए आप, सिर्फ 4-5 2-व्हीलर्स हैं, तो लोग ज़्यादा प्रिफर नहीं करते यहाँ पे। अब हम अंदर चलते हैं। ये कुछ एड्स वैड्स लगे हुए हैं और ये देखिए 2 लिफ्ट दी हुई है। और एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये लिफ्ट हमेशा 15 और 1 नंबर पे रुकी रहती है, तो किसी को ऊपर से आना है उसको आसानी होगी, 15 वाली लिफ्ट ले लेगा, और 1 वाला जिसको नीचे से ऊपर जाना है उसके लिए राइट साइड वाली लिफ्ट। और आप ये देखिए, प्लाई बोर्ड लगाया हुआ है, और ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये नई बिल्डिंग है और नई बिल्डिंग में सामान आता जाता रहता है, तो कुछ भी डैमेज ना हो जाए। तो देखिए, तुरंत से मेरा तो लिफ्ट अवेलेबल है, क्योंकि 1 लिफ्ट ऑटोमेटिकली 1 नंबर पे आके रुकती है और 1 ऑटोमेटिकली 15 नंबर पे चली जाती है, कहीं पे भी हो। ये देखिए अंदर भी पूरा प्लाईवुड, ये देखिए काफी लंबा चौड़ा एरिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ घर के अंदर। मैंने आपको बताया था ये स्मार्ट होम है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीडर है, तो चाबी वाबी किसी की ज़रूरत नहीं, चाबी कार्ड मैं तो हमेशा भूलती रहती हूँ, सीधा यहाँ पे अपनी फिंगर और ये 1 सेकंड में रीड कर लेगा। बाहर गर्मी इतनी है, बाहर निकलते ही चेहरे पे पसीना आ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी शूज़ रैक। यहाँ पे बहुत सारे शूज़, यानी मैंने शायद 30 जोड़ी से ज़्यादा शूज़ डाले हुए हैं, और ये मैंने ही खुद ने असेंबल की थी ऑनलाइन ऑर्डर करके। तो बस मैंने ज़्यादातर रखा है फर्नीचर वाइट कलर का, हो तो अच्छा है, अच्छा लगता है, साफ़ लगता है। घुसते ही शूज़ रैक के बाजू में कुछ टोपी और ये बैग वैग रखना हो, शर्ट रखना हो, आप रख सकते हो। यहाँ पे बैठ के शूज़ आप चेंज कर सकते हो, घर के चप्पल या जो भी है। तो फ्रेंड्स, ये आते ही ऐसी गैलरी जैसी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ घुसते ही एक मॉनिटर दिया हुआ है, इसको टच करते ही स्टार्ट हो जाता है, आप यहाँ पे इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। ये दबाते ही कोई ना कोई कॉल आ जाएगा आपको, कॉल बैक। सिक्योरिटी को कॉल कर सकते हैं, ऑफिस को कॉल कर सकते हैं, वीडियो नीचे वीडियो से बात कर सकते हैं, लिफ्ट बुला सकते हैं अपने लिए,
आप बाहर का कैमरा चेक कर सकते हैं, यहाँ कॉल अलार्म्स और मैसेजेस हैं, तो यहाँ पे सब कुछ है, इंटरनेट भी दिया हुआ है। तो मैंने गलती से एक बार ये दबा दिया था इमरजेंसी का, और 2 सेकंड में मुझे कॉल बैक आ गया रात के 2-3 बजे। तो बहुत अच्छा सिस्टम है ये। पीछे है मेरा रेस्ट ऑफ द घर, और आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा लिविंग रूम, और इसको हमने सिंपल और क्लीन रखने की कोशिश की है, ज़्यादातर वाइट वाइट, ताकि रूम थोड़ा ब्राइट लगे, है ना। और ज़्यादा कुछ फर्नीचर हम ज़्यादा डालने नहीं वाले, क्योंकि हमको खाली खाली, थोड़ा खाली खाली पसंद है फ्रेंड्स। और मिरर वाली थीम मैंने रखी है, ज़्यादा मुझे पसंद है ये लुक, मुझे पसंद है फ्रेंड्स। ये देखिए पौधा या पेड़ क्या बोलेंगे इसको, पिछले घर से लेके आ गए हम, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद था, पहले ज़मीन पे लगा हुआ था, अब हमने इसको गमले में डाल दिया। और यहाँ पे है एसी फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा एसी हमने ओनर को लगाने के लिए बोला, हमने ओनर को बोला सारे रूम्स में अगर एसी होंगे तभी हम यहाँ पे आएंगे, ये कंडीशन रखी थी हमने, क्योंकि ग्वांगझू में गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये ऐसा एसी यहाँ पे लगाया हुआ है कि इससे पूरा घर 5 मिनट में ठंडा हो जाता है फ्रेंड्स, दूसरे रूम के एसी नहीं चला है तो भी चलता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बस सिंपल सा हमारा डेकोर है, यहाँ पे पंखा भी है, ये टावर फैन। और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए आप, ड्रॉर्स में मैंने ये इसके इवान के खिलौने सारे डाल दिए हैं, ताकि कुछ भी ये खुद ही खोल के ले लेता है, और कई बार यहाँ पे आके वापस खिलौने रख देता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा डाइनिंग एरिया, ये टेबल भी हमने यहाँ पे आके बनवाई है खुद से। और यहाँ पे देखिए ये मार्बल पूरी तरह पॉलिश नहीं हुई है, तो क्योंकि हमने कोशिश की थी लेकिन हमसे अच्छा काम नहीं हुआ, तो हम इसको दोबारा से स्मूथ करवाएंगे, पॉलिश करवाएंगे। और ये फ्रिज यहीं पे लगा दिया क्योंकि किचन में जगह ही नहीं थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये देखिए किचन है स्लाइडिंग डोर के साथ, तो स्लाइडिंग डोर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बाकी के दरवाजे बहुत जगह घेरते हैं फ्रेंड्स। तो बस ये देखिए काफ़ी हैवी डोर है ये किचन, देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन स्टोरेज बहुत है, नीचे स्टोरेज है, ऊपर है, 2 साइड ऊपर स्टोरेज है, 3 साइड नीचे है। और यहाँ पे ये देखिए जो कुछ पैन हमको रोज लगते हैं वो हमने यहीं पे टांग दिए जगह बचाने के लिए। और यहाँ पे चाकू वगैरह सारे एक साथ यहाँ पे है, तो सेफ रहता है, ज़्यादा कोई उठा नहीं सकता, नहीं तो इवान यहाँ से चाकू उठाने की कोशिश करता है यहाँ पे हम रखते हैं तो। और यहाँ पे देखिए ये जो गैस स्टव है फ्रेंड्स, ये हमने ही फिट कराया है पत्थर कटवा के, तो हम लोग इसलिए इतने बिजी थे। गैस स्टव, ये जो चिमनी है ओडिन ने पता नहीं कहाँ से मंगवाई है, ये नॉर्मली यहाँ की चाइनीज स्टाइल नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें हमने कस्टमाइज़ की है वाइट कलर की थीम रखने के लिए। और ये वाइट अवन ये भी ओडिन ने मंगवाया है। तो और फ्रेंड्स ये देखिए सारे अप्लायंसेज हैं एक ही जगह आ गए, तो कितनी जगह बच गई हमारा। ये कुकिंग, ये जो प्लेटफॉर्म है ये खाली रहता है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो माइक्रोवेव है, राइस कुकर, नूडल मशीन, कैटल, मिक्सी, टोस्टर, सब कुछ यहीं पे फ्रेंड्स। तो मुझे इसी में भी गर्मी लग रही है फ्रेंड्स। ठीक है हम चलते हैं, किचन से निकलते हैं, बहुत हो गया किचन, छोटा सा किचन है। और किसी दिन आपको मैं पूरा खोल खोल के दिखाऊंगी कि कहाँ पे मैं क्या रखती हूँ, लेकिन सारा सामान आ जाता है अंदर, ये जगह कम नहीं पड़ती हमको। तो ये मैं मन कर रही हूँ, और पीछे का मैं दिखाती हूँ। तो किचन से निकलते ही राइट साइड में एक और बालकनी है, और ये बालकनी में हम वॉशिंग मशीन और एक्स्ट्रा सामान जो है क्लीनिंग का, और जो एक्स्ट्रा बर्तन है देखिए, इसको हमने एक रैक में सारे के सारे बर्तन डाल दिए, क्योंकि हमारे बर्तन देखिए कितने हैं, ये जो डम्पलिंग्स और ये मोमोज बनाने की स्टीमर है, और बड़ी कढ़ाइयाँ, कुकर जो मैं इंडिया से लाई थी, तो सारा सामान यहाँ पे है। और यहाँ पे हम कपड़े भी टांग देते हैं ऊपर, ये जो नीचे आ जाता है यहाँ से, ये देखिए इसको ऐसे घुमा के नीचे आ जाता है। और यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन रखी है, सारे डिटर्जेंट रखे हुए हैं, डिटर्जेंट, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह, और एक्स्ट्रा पॉलीथीन बैग्स। ये पीछे का भी व्यू ख़राब नहीं है देखिए फ्रेंड्स, व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है, जिसको ऊंची बिल्डिंग्स पसंद है उसके लिए बढ़िया है। और नीचे का व्यू भी ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग जैसे की हो किसी ने, तो रोड्स को बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, ये पेड़ लाके लगाए हुए हैं कहीं कहीं, बहुत अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं। तो हम चलते हैं दूसरी बालकनी की तरफ। ओके फ्रेंड्स, मैं आप
सबको ये दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और कितने दिन से मेरा मन था बट घर सेट नहीं हो रहा था, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। ये देखिए, ये है हमारी मेन बालकनी और ये काफ़ी लंबी चौड़ी बालकनी है फ्रेंड्स। देखिए काफ़ी लंबी चौड़ी, यहाँ पे हमने रॉकिंग चेयर लगा दी तो यहाँ पे हम झूलते रहते हैं चेयर में। और ये देखिए, ये हमारे पेड़ पौधे दोनों साइड, और यहाँ पे हम पानी लेके पानी देते रहते हैं पौधों को। तो देखिए फ्रेंड्स, मेन जो अट्रैक्शन है वो है ये व्यू। ये व्यू देखिए आप, मुझे ये व्यू इतना पसंद आया ना फ्रेंड्स, यानी ये एक रीज़न है जिससे लोग ये घर चूज़ कर लें, इतना बड़ा रीज़न है। और ये देखिए, जो रो हाउसेज हैं ये भी इसी सोसाइटी के, ये सोसाइटी इतनी बड़ी है कि मैं आपको एक साइड से दूसरे साइड नहीं बता सकती, इसका अंत कहाँ पे है वो मुझे भी नहीं पता। और वो देखिए, वो पेड़ पौधे इतने सारे पेड़, वो जंगल जैसा है ये, जो इसके वजह से एयर बहुत फ्रेश है यहाँ की। तो ये मुझे ऐसे पता चलता है कि रात को सितारे सारे इतने क्लियर दिखते हैं, इतने साफ, ये बोल सकते हैं कि हवा काफ़ी साफ है। यहाँ पे खूब सारे प्ले एरिया है, हमारे बिल्डिंग के नीचे ये है, वो दूसरे बिल्डिंग के पीछे नीचे भी खूब सारे प्ले एरिया है। दो बास्केटबॉल के कोर्ट, दो फुटबॉल कोर्ट हैं, छोटे फुटबॉल ग्राउंड है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन और भी नई बिल्डिंग्स बन रही है सोसाइटी में, और ये जो ऑलरेडी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ सामने से। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं बालकनी में पूरा दिन और ये व्यू देखते रहते हैं। नीचे बहुत सारी शॉप्स है और बैठने की जगह है, आपको कुछ भी करना है आप यहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही कर सकते हो, आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरे रूम सिखाती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो घर साफ है, क्योंकि मेरा टाइम पूरा इसी में जाता है। जब इवान सो रहा होता है मैं हमेशा घर साफ़ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, क्योंकि जब वो उठता है तब तो मैं नहीं कर सकती। तो बस इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। ये गैलरी लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगाई हुई है यहाँ पे, मुझे पसंद आई काफ़ी। तो ये पहला रूम है, ये है ओडिन का ऑफिस, और इसमें इसने ये जो मिनी बार जैसा है वो भी लगा रखा है, इसकी बास्केटबॉल, और ये रैक है जिसमें इसका ऑफिस का सारा सामान। ये टेबल, ये देखिए ये टेबल, हाँ इसने ओडिन ने खुद ने बनवाई है, लकड़ी खरीद के और स्टैंड खरीद के खुद असेंबल कराई है। तो ये सेकंड बिगेस्ट रूम है घर का, इसने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे है हमारा पियानो, तो इसको मैं बजाती हूँ, मेरा किंडल हेडफोन्स। तो ये देखिए, अभी ये पियानो की चेयर नहीं है, ये मैं अपना खुद का ऑफिस बनाने वाली हूँ यहाँ एक रूम को, तो वहाँ पे मैं ले जाऊँगी, दूसरी सीट लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है ना, ये देखिए, ये पौधा हमारा पुराने घर से लाए हुए हैं हम, और ये वही बालकनी जो मेन है। तो ये बालकनी जो है फ्रेंड्स, ये दो रूम पे खुलती है, एक तो लिविंग रूम पे यहाँ पे, और एक ये ओडिन के ऑफिस में। ये है हमारा, इसका ओडिन ने खरीदा है, मैं तो बोलती हूँ धनुष बाण, तो ये उसको शौक है, कभी कभी हम खेलते हैं इससे। ओके चलते हैं अब सामने वाले रूम की तरफ, ये सबसे छोटा रूम है घर का। तो फ्रेंड्स ये रूम है जो मैंने अपने लिए रखा हुआ है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे मैं टेबल लगवाने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी पुरानी पेंटिंग्स लगाई है सारी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर पेंटिंग्स मैं इंडिया में छोड़ के आ गई, लेकिन अब इसको मैं अपने ऑफिस में कन्वर्ट करने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, खाली रूम है फ़िलहाल तो। बस चलते हैं बाथरूम की तरफ। ये है बाथरूम, ये मुझे काफ़ी पसंद आया, यहाँ पे भी अच्छा स्टोर करने के लिए ऊपर नीचे जगह है, ये देखिए। और सारी फिटिंग्स नई है क्योंकि नया घर है, तो अच्छा लगता ही है रहने में। और ये शावर एरिया भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे बाथरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा लगा, सब कुछ आपका सामान आ जाता है यहाँ पे, और नहाने के लिए काफ़ी जगह है, चलने के लिए काफ़ी एरिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस घर में दो बाथरूम हैं,
दोनों अच्छे साइज के हैं, ऐसा नहीं है कि एक छोटा है। इस बाथरूम का कांच थोड़ा गंदा हो गया, साफ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। दूसरे बाथरूम का साफ है, ये हम कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा, ये कलर वगैरह काफ़ी अच्छे लगे। ओके, चलते हैं हम गेस्ट बेडरूम की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने गेस्ट बेडरूम जैसा बनाया हुआ है, जापानीज़ बेड लगाया हुआ है यहाँ पे, यानी ये बहुत नीचे होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा बेड है। और अलमारी लगाने के बजाय हमने ये कपड़े हैंग करने का कर दिया, क्योंकि गेस्ट को अलमारी कहाँ लगती है, इतने कोई कपड़े लेके नहीं आता कि पूरी की पूरी अलमारी यूज़ हो। तो यहाँ पे कपड़े आराम से लटका के एक दो हफ्ते के, इवन एक महीने के इंसान रह सकता है, कोई भी गेस्ट। मेरे पेरेंट्स आते हैं, उड़ीन के पेरेंट्स आते हैं, और कवर कर लो इसको तो अच्छा भी लगता है। ये फ़िलहाल उड़ीन के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, हर एक विंडो पे इस घर में खूब बैठने की जगह, हर रूम में ऐसी विंडो वाली स्पेस दी हुई है कि आप खूब अच्छे से बैठ सकते हो। ठीक है, और कुछ भी आपको लैपटॉप चलाना है, चाय पीनी है, यहाँ बैठ के कर सकते हो। और हमने अपना एक्स्ट्रा सामान कहाँ डाला, हमने सारा एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे डाल दिया। एक रेलिंग लगाई, पर्दा लगाया, और यहाँ पे अलमारी की जगह दी हुई थी, किसी को अलमारी सेट करानी है, तो हमने सारा का सारा एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे भर दिया। तो भाई पूरे रूम्स गंदे हों, इससे अच्छा एक छोटा सा एरिया ख़राब हो चलता है, और हमको कुछ भी चाहिए हो तो यहीं से आके ले लेते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है हमने। तो फ्रेंड्स, यही है, ये हमारा, ये एक्चुअली ओडिन का आइडिया है, ओडिन के आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। ये मैट अभी तो हमने लगाई हुई है, मैट हटा के नीचे बेड गद्दे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स ये है लास्ट रूम, सबसे बड़ा रूम मेरा, इवान और ओडिन का। और ये देखिए, राइट साइड में घुसते ही रूम में ये है वॉशरूम हमारा, ये भी अच्छे साइज का वॉशरूम है, देख लीजिए। और यहाँ पे भी स्टोरेज है काफ़ी, शावर पैनल लगा हुआ है। और हम सीधे जाते हैं, तो ये हमने बेबी सेफ रूम बनाया है फ्रेंड्स। ये जो नीचे आप शीट देख रहे हैं ना, ये है जिससे कि बच्चों को चोट नहीं लगती गिरने पे, तो इसलिए हमने बेड भी नहीं लगाया। इवान अगर बेड से गिरता भी है या खेलता है यहाँ पे, तो उसको चोट नहीं लगने वाली। और सारे रूम्स की जैसे यहाँ पे भी बैठने के लिए काफ़ी जगह है, देखिए व्यू भी अच्छा है यहाँ पे बैठ के, देखिए आप यहाँ पे बैठ के आराम किया जा सकता है। और बाकी एकदम सिंपल रखा है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखी है जिससे इवान को चोट लगे, अगर वो रात में जग के भी खेलने लग जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए उसके खिलौने, ये अलमारी हमने एक लगाई आते हुए ही यहाँ पे, ये वही जहाँ से हम आए हैं, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। एसी का रिमोट है, बैटरी वाली चीज़ें, फ़ोन, और ये कुछ भी हार्मफुल चीज़ें वो यहाँ पे हम रख देते हैं ताकि इवान का हाथ नहीं पहुँच पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यही है रूम, सिंपल सा। और निकलते वक्त लेफ्ट में बाथरूम। एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, यहाँ पे सारे रूम्स में लाइट्स देखिए आप, अभी मैंने इसको ऑन किया तो ये येलो लाइट है, इसको बंद करके फिर से किया तो ये वाइट कलर की लाइट, फिर बंद करके फिर से किया तो मिक्स्ड कलर की लाइट है, येलो और वाइट जैसी, और बंद करके चालू किया तो ये सबसे डिम लाइट है, लेट नाइट आप यूज़ कर सकते हो। तो सारे के सारे रूम्स में ये देखिए आप, ये जो चाइनीज़ स्टाइल की लाइट्स लगी हुई है, थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप की है, इसके अंदर चार मोड है हर रूम में। मैं आपसे ये बात करना चाहती थी कि मुझे इतना लेट क्यों हुआ। ऐसा होता है ना कई बार कि हम कुछ एक चीज़ कई टाइम तक नहीं करते हैं तो उससे मन हट जाता है। तो जब हम इस घर में शिफ्ट हुए, हमको इतना काम करना था, मुझे इतना काम करना पड़ा था, और मेरा ध्यान YouTube से हट ही गया, यानी, और वो ही रीज़न नहीं था। ऑफकोर्स मैं बहुत बिज़ी भी हो गई हूँ, मेरी मदर इन लॉ चली गई, उसके बाद मुझे एक अचानक से खूब सारा काम
खुद से करना पड़ा। जैसे ही इवान सोता है मैं घर का काम करने में लग जाती हूँ। वीडियो में मन उस साइड उस तरफ मन नहीं जा पाता, तो बस इसलिए मुझे लेट हो गया। लेकिन अब इतना लेट नहीं होगा फ्रेंड्स, अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे नीचे इतने सारे अच्छे एरियाज़ हैं, इतने प्लानिंग से इस सोसाइटी को बनाया हुआ है, वो सब मुझे दिखाने का प्लान है। कि यहाँ पे कुछ ऐसे शॉपिंग एरियाज़ है जो ऐसे लगते हैं जैसे आप बाज़ार गए हो शॉपिंग करने के लिए, वो सारे एरियाज़ सोसाइटी के अंदर हैं। खूब सारे रेस्टोरेंट हो गए, कैफ़ेज़ हो गए, ब्यूटी पार्लर, आपका के नीचे पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं, और प्ले एरियाज़ तो पता नहीं कितने हमने देखे नहीं हैं। अगर आप यहाँ सोसाइटी से बाहर नहीं भी जाओ तो भी यहाँ पे सारी चीज़ें सोसाइटी में ही हैं। घर का सामान लेना है, पर्दे लेने हैं, फर्नीचर लेना है, सब कुछ नीचे है, सारी शॉप्स और सोसाइटी के अंदर ही है। तो आपको दिखाने का बहुत मन है मुझे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा इतने सारे एरियाज़ को कवर करने में। बाकी तो फ्रेंड्स मैं इस घर से बहुत खुश हूँ। क्या आप इस घर से खुश हैं ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को शेयर लाइक करना नहीं भूलिए, और नए हैं आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और प्लीज़ नाराज़ मत होइए कि वीडियो को इतना लेट हो गया। तो फ्रेंड्स आपसे अब मैं विदा लेती हूँ फ्रेंड्स, और फिर से जल्द ही मिलते हैं, और बाय बाय।